हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हैं। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंडिया में जो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से प्लानिंग हुई है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट हुआ है, हम वो देखेंगे आज। ठीक है, ये ज्योग्राफी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक है, जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर 9 है ये। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन आता है और वो डेवलपमेंट का जो भी एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है वो सारा काम करता था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में फिर नीति आयोग बना उसको रिप्लेस करके, और उसका जो काम था अब ये करता है। ठीक है, तो मेनली वो अलग चीजें हैं। अभी बात है कि जो प्लानिंग हुई हमारे यहाँ, ये किस तरीके से हुई है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे प्लानिंग का एक अप्रोच रहा है कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, प्लानिंग का फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, ये अप्रोच जनरली दो तरीके से होता है। एक है सेक्टरल अप्रोच और एक है रीजनल अप्रोच। सेक्टरल अप्रोच का मतलब होता है ये होता है, जैसे आप इकोनॉमी में देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, या फिर टर्शरी सेक्टर हुआ, तो ये क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। तो यहाँ सेक्टरल अप्रोच जो था, यहाँ पर ये देखा गया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किस तरीके से कोई प्लान बनाएंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किस तरीके से हम करेंगे। आप स्टार्टिंग के जो 5 ईयर प्लान्स थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें देखिए कि किस तरीके से इंटरचेंज आपको देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। जब इंडिपेंडेंस हुआ देश, तो उस समय बात ये हुई कि अगर हमें जीडीपी को बढ़ाना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो हमें हैवी मशीनरीज पर ध्यान देना होगा, यानी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा। ये बात हुई, तो जो पहला हमारा जो 5 ईयर प्लान आया, उसमें हैवी मशीनरीज पर हमने, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमने ध्यान दिया। लेकिन तुरंत ड्रॉट आ गए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स जो थे, अनाज की कमी पड़ गई। तो फिर अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखेंगे कि तुरंत वो जो सेक्टरल प्लान था वो चेंज होके अब एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्टरल प्लान्स होते हैं, कभी एग्रीकल्चर स्पेसिफिक होते हैं, कभी मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक होते हैं, या कभी टर्शियरी स्पेसिफिक होते हैं। जो आप टर्शियरी स्पेसिफिक आपको 1991 के रिफॉर्म के बाद देखने को मिलेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये सेक्टरल प्लान्स हो गए। रीजनल प्लान्स ये होते हैं कि ये रीजन के बेसिस पर, यानी कि एरिया के बेसिस पर, अब ये देखा जाता है कि जैसे हमारे कंट्री में कुछ एरिया क्या है, अंडर डेवलप्ड है, यानी कि बैकवर्ड है, कुछ एरिया डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये जो इम्बैलेंस है, इसको दूर करने के लिए जो बैकवर्ड एरिया में है, बैकवर्ड एरिया है, वहां पर कुछ प्लान्स लाए जाते हैं, वहां पर डेवलपमेंट किए जाते हैं। तो ये रीजनल अप्रोच होता है। ठीक है, कि जो बैकवर्ड एरिया में हम कुछ प्लान लाए और उनका डेवलपमेंट करें, ताकि जो ये डिस्पैरिटी है एक डेवलप और नॉन डेवलप एरिया के बीच में, इसे दूर किया जा सके। तो ये होता है रीजनल अप्रोच, जो रीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं या डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से एक प्लानिंग आती है, टारगेट एरिया प्लानिंग। टारगेट एरिया प्लानिंग में ये होता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, सिर्फ फार्मर्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो यहाँ पर टारगेट ग्रुप क्या है हमारा, टारगेट हम किसको कर रहे हैं, यहाँ पर टारगेट हम फार्मर को कर रहे हैं। कभी कभी हम ट्राइबल्स के लिए बनाते हैं प्लानिंग, तो यहाँ पर टारगेट किसे कर रहे हैं, हम ट्राइबल्स के वो टारगेट कर रहे हैं। या फिर कभी कभी हम बैकवर्ड जो एरियाज हैं, या जो बैकवर्ड सेक्शन है पॉपुलेशन का, हम उसके लिए कुछ स्कीम लाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर टारगेट एरिया या टारगेट ग्रुप क्या है, वो बैकवर्ड पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से टारगेट एरिया प्लानिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्पेशल केयर टू दोज एरियाज, उन एरियाज पर स्पेशल केयर करना है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ठीक है, मेन चीज तो यही है, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो रीजन है, या फिर जो पॉपुलेशन है, उसको सही किया जा सके। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको कमांड एरिया, जैसे कि आप देख लीजिए जो इंदिरा गांधी कैनाल है जो राजस्थान में बहता है, ठीक है, वहां पर किनारे किनारे आपको जो डेवलपमेंट दिया किया गया है, वो इसके अंडर में आ जाएगा।
और वो गवर्नमेंट इनिशिएट डेवलपमेंट है जो उस कैनाल के दोनों तरफ दोनों किनारों के पास में डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट, जहाँ पे ड्रॉट आते हैं, सूखा पड़ता है, वहाँ के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स लाए जाते हैं। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हिलीज एरियाज है हमारे कंट्री में, वहाँ के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। अब जैसे कि टारगेट ग्रुप्स, मैंने पहले बताया टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, कई फार्मर्स हो सकते हैं, फार्मर्स में भी कई सेक्शन है, कुछ मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइब्स हो गए, इस तरीके से ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एजेंसी है, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि स्मॉल फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। एक एजेंसी है मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो मार्जिनल फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो ये क्या है, ये टारगेट ग्रुप्स है जो डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलरली ग्रुप को वो टारगेट करते हैं। यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स को टारगेट किया गया, यहाँ पर मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट किया गया, ठीक है। तो ये है टारगेट एरिया प्लानिंग। इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो 8वां 5-year plan था, इसमें स्पेशल एरिया प्रोग्राम लाया गया। इसमें ये कहा गया कि जो कुछ रीजन जो है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। 8th 5-year plan में स्पेशल एरिया प्रोग्राम आया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई। कहां कहां पे, जो हिलीज एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ट्राइबल एरियाज हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे कि क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये 8th 5-year plan में आया, ठीक है। तो ये टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर में। इसके बाद एक और देखते हैं, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में जो 5th 5-year plan था, इसके अंडर में 15 districts यानी कि 15 districts को सेलेक्ट किया गया और कहा गया कि यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। वो ये 15 districts जो थे, ये थे यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। तो उस समय ये 5-year plan में उत्तराखंड तो नहीं था, उस समय यूपी था। तो उस समय जो यूपी का पार्ट आजकल उत्तराखंड कहा जाता है, वो वाला रीजन। फिर आसाम में आप चले जाइए तो मिकिर हिल्स और नॉर्थ कचार का जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया, वहां पर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला एरिया और तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया, ठीक है। इन सब एरियाज में मिला के 15 districts को सेलेक्ट किया गया है 5-year plan में, पर इनमें डेवलपमेंट की बात की गई। उसके बाद आप देखते हैं कि 1981 में एक कमिटी आती है, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ठीक है। 1981 में एक कमिटी आती है, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। इस कमिटी का कहना यह था कि कोई भी जो भी हिल रीजन है, अगर उसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा है, हिली एरियाज एवं 600 मीटर, और साथ ही वो किसी ट्राइबल सब प्लान अंडर में नहीं आता, नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, उस रीजन को हम हिली बैकवर्ड हिली एरियाज कहेंगे। वो हिल एरियाज जो एवं 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान, ठीक है। तो एक्चुअली इसने डिफाइन करने की कोशिश की कि कौन से हिल एरिया को हम बैकवर्ड एरिया कहेंगे, बस इसने ये डिफाइन करने की कोशिश। और इसने कहा कि कोई भी हिल रीजन जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हो, साथ ही साथ वो किसी भी ट्राइबल सब प्लान के अंडर में कवर नहीं किया गया हो, यानी कि उसको किसी प्लान के अंडर में नहीं लाया गया हो, कोई भी ट्राइबल प्लान के अंडर में नहीं लाया गया हो, तो वैसे हिल एरिया जो होंगे उसको हम बैकवर्ड हिल एरियाज कहेंगे, ये कमिटी ने कहा 1981 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, चाहे इम्प्लॉयमेंट की बात करें या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा, तो इसमें कहा गया कि हार्शनिंग इंडिजिनियस रिसोर्सेज, यानी कि जो वहां पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हम उसको किस तरीके से यूज कर पाए। तो इसके लिए बात की गई कि आप हॉर्टिकल्चर, ठीक, हॉर्टिकल्चर में जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेशन का प्रोडक्शन होता है, फिर प्लांटेशन कीजिए, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो स्मॉल स्केल और जो विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर जैसे कुछ इंडस्ट्रीज जो होती है काफी छोटी छोटी होती है, उनको विलेज में शुरू किया जाता है। जैसे कि अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है, काफी एक स्मॉल स्केल पर इसका काम किया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पर शुरू किए जा सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट्स खुद गांव में मिल रहे हैं उनके बेसिस पर शुरू किया जा सकता है,
ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हिल एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसमें ये बातें की गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं हम ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कि उसमें किस तरीके से चीजों के बारे में बात की गई है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इसमें आप देखेंगे कि जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान में कुछ बातें कही गई है। इसमें कहा गया कि इनिशियली इम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। ठीक है, यानी कि इस प्रोग्राम के तहत जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये बना, इसमें ये कहा गया कि जो एरिया जब ये जो प्रोग्राम बना हुआ था तो इसके इनिशियल स्टेज में जो काम हो रहे थे वो लेबर इंटेंसिव थे और वो सिविल वर्क के लिए था। जैसे कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कहीं अगर पंचायत के घर बनानी हो या पंचायत के लिए एक तालाब बनाना हो या फिर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम करना हो तो ये कौन करेगा, जो उस गांव के लेबर होंगे या फिर उस गांव की जो जनता होगी वो करेगी। जैसे आज देखिए जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत लोग सड़कों के निर्माण में लगे हुए हैं। ठीक है, तालाब वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए वो लगे होते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये भी क्या है, लेबर इंटेंसिव है। तो यहाँ पर भी इनिशियल जो स्टेज था इस प्रोग्राम का, यहाँ पर देखा गया कि लोग सिविल वर्क्स में लगे हुए हैं और उसके कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं। बाद में इस प्रोग्राम का जो लेटर स्टेज आया, यहाँ पर फिर देखा गया कि ये जो काम था अब इसको डाइवर्सिफाइड किया हो गया। यहाँ पर अब लोग लेबर प्रोजेक्ट्स में भी ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में भी लगे हुए हैं, एफोरेस्टेशन में भी लगे हुए हैं, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेजेस में है, एक इनिशियल स्टेज था और दूसरा लेटर स्टेज था, जहां पर दोनों में थोड़ा अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा नेचर ऑफ वर्क में। इसके बाद अब देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होगा कि आपको फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ती जाती है, भोजन की डिमांड बढ़ती है, तो उसके लिए आपको उतने अनाज प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। अब ज्यादा अनाज प्रोडक्ट करने के लिए अगर आपके यहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर आपको एग्रीकल्चर लैंड एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब एग्रीकल्चर लैंड एरिया बढ़ाना पड़ेगा तो जो मार्जिनल लैंड पड़े हुए हैं जिस पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, जो एज अ फेलो लैंड पड़े हुए हैं, अब उनको एज एग्रीकल्चर लैंड यूज किया जाने लगेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो मार्जिनल लैंड थे उनका अब एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। जब उनका एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइजेशन शुरू होगा तो आपको इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और जैसे मार्जिनल लैंड, मार्जिन जैसे हम वेटलैंड की बात करें, जो वेटलैंड होते हैं ये भी मार्जिनल लैंड होते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक ट्रांजिशन एरिया की तरह काम करते हैं। जैसे आपको भरतपुर की साइड में चले जाइए राजस्थान में, तो वहां पर आपको बर्ड सेंचुरीज देखने को मिलेगी। तो वो बर्ड सेंचुरीज वो क्या है, वेटलैंड है, वो स्वैम्प एरियाज है, ये ट्रांजिशन एरिया का काम करते हैं बिटवीन राजस्थान के साइड। वेस्ट में चले जाइए डेजर्ट, और उसके बाद ईस्ट में चले आइए तो प्लेन। तो प्लेन और डेजर्ट, ठीक है, तो प्लेन एरिया क्या है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन जो है एक्चुअली एलिवल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है। तो एक तरफ फर्टाइल सॉइल और एक तरफ बैरन लैंड डेजर्ट के बीच में ये एक स्वैम्प और ये एक मार्जिनल एरिया है जो ट्रांजिशन एरिया का काम करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए। तो जब ऐसे एरियाज को फिल करके, वेटलैंड को खत्म करके एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाने लगेगा तो फिर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। वो जो बर्ड्स आज है वो फिर कहाँ जाएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन देखने को मिला कि लोग अब क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा इनकम करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा लैंड को वो एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं जो मार्जिनल लैंड्स हैं, तो इसके लिए इसमें कहा गया है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइए अल्टरनेटिव, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावे, खेती करने के अलावे हम कुछ और क्या कर सकते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, पोल्ट्री हो, फॉरेस्ट्री हो, प्लांटेशन हो, ठीक है, चाहे कोई भी चीजें हो, लेकिन हमें एक एम्प्लॉयमेंट का अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि ये वाला सिचुएशन हमको देखने को ना मिले। यानी हमें एग्रीकल्चर के लिए अधिक से अधिक लैंड की जरूरत ना पड़े, हम इनकम को डाइवर्सिफाई कर पाए।
ठीक है, इसके अंदर एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आता है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक होती है, एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम वाटर को सेव करते हैं या वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे एरिया में जहाँ पर ड्रॉट आते हैं, सूखा है, पानी की स्कार्सिटी है, तो ऐसी एरिया में इसका यूज और बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब जो भी रेनफॉल है वो बर्बाद ना जाए, उसको हम स्टोर कर पाए, उसको हम हार्वेस्ट कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम हो, दिस इज वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर केस स्टडी है। अब जब भी आंसर लिखिए तो केस स्टडी दो लाइन जरूर लिख दिया कीजिए, इससे वैल्यू एडिशन होता है। जो भरमौर है, भरमौर ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर गद्दीज मिलेंगे। गद्दीज जो होते हैं ये ट्रांस ह्यूमन्स होते हैं। आपने जब भी फिजिकल इंडिया पढ़ा होगा, फिजिकल इंडिया में आपने जब हिमाचल माउंटेन्स वाला एरिया पढ़ा होगा NCERT की जो 11th क्लास में है, तो वहां पर गद्दीज का नाम आता है। ये ट्रांस ह्यूमन्स होते हैं, ये भरमौर वाले रीजन में रहते हैं। तो ये क्या है, ये ट्राइबल एरिया, नोटिफाइड ट्राइबल एरिया रीजन है ये। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्या किया गया कि जो गद्दीज हैं इनकी जो इम्प्लॉयमेंट थी, या फिर जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें, यहाँ पर इनको डाइवर्सिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये केस स्टडी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता है कि इसका मतलब ये होता है कि अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ, उनको हमें इस तरीके से यूज करना है कि आज प्रेजेंट की जो जरूरतें हैं ये पूरी हो सके, साथ ही साथ वो रिसोर्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ एक केस स्टडी देखने को मिलेगी, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इससे पहले मैंने जब कमांड एरिया के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी कैनाल जो कमांड एरिया है। यहाँ पर देखिए, ये राजस्थान से होके बहता है। जब राजस्थान से होके बहता है, और हमें पता है कि राजस्थान वाला एरिया डेजर्ट एरिया है, यहाँ पानी की स्कार्सिटी है, तो ये नहर जो बनाया गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस नहर के दोनों बैंक यानी कि दोनों साइड पर यहाँ पर पॉपुलेशन को बसाया गया है। गवर्नमेंट इनिशिएटेड पॉलिसी है ये कमांड एरिया, गवर्नमेंट इनिशिएटेड पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने वहां पर पॉपुलेशन को बसाया, गवर्नमेंट ने वहां पर इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज है ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो कमांड एरिया है, इंदिरा गांधी कमांड एरिया, इसके आजू बाजू जो भी डिस्ट्रिक्ट है, इनको दो स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज जिसमें श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है, हनुमानगढ़ एंड नॉर्थ बीकानेर। दूसरा स्टेज आता है, पूरा बीकानेर यहाँ कवर किया गया, यहाँ नॉर्थ बीकानेर था, यहाँ पूरा बीकानेर कवर किया गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। ये सेकेंड स्टेज में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब क्या था कि इस ये जो डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर कुछ मेजर्स लिया गया डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पर इन स्टेज में डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके लिए कुछ मेजर्स थे, जैसे वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई और उनको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की गई। उनका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो काफी स्ट्रिक्ट होगा। कैसे, जो फर्स्ट स्टेज था यहाँ पर प्रोटेक्टिव इरिगेशन अपनाया गया। इरिगेशन दो तरीके की होती है, एक प्रोटेक्टिव इरिगेशन होती है और एक प्रोडक्टिव इंटीग्रेशन होती है। ये एक प्रोटेक्टिव हो गई, एक होती है प्रोडक्टिव इरिगेशन। इनका मतलब क्या होता है, देखिए प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी एरिया है, वहां पर कोई क्रॉप लगा हुआ है, उस क्रॉप को के इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए हमें 10 सेंटीमीटर वाटर चाहिए। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल है ये। किसी भी एरिया में मान लीजिए कोई क्रॉप है, उसके डेवलपमेंट के लिए, क्रॉप होने के लिए हमें 10 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, लेकिन उस एरिया में जो वाटर अवेलेबिलिटी है, चाहे वो रेनफॉल के थ्रू हो, वो मात्र 8 सेंटीमीटर है, बाकी और 2 सेंटीमीटर वाटर वहां पे कम पड़ रहा है। तो उस 2 सेंटीमीटर वाटर को हम इरिगेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ताकि उस क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। यहाँ पर प्राइमरी जो वाटर अवेलेबिलिटी का सोर्स ये इरिगेशन नहीं है, क्योंकि इरिगेशन तो मात्र 2 सेंटीमीटर ही प्रोवाइड कर रहा है, बाकी 8 सेंटीमीटर तो आपको रेनफॉल से आ रहा है, या फिर वो उसमें जो भी रिवर्स वगैरह होगी, जो भी फैसिलिटीज होगी वाटर की।
ठीक है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर जो वाटर है ये सिर्फ उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ऐसी जो इरिगेशन होती है उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन। प्रोडक्टिव इरिगेशन ये होती है जहां पर अगर मान लीजिए वहां पर 10 सेंटीमीटर वाटर जरूरत है तो वहां पर हम 8 सेंटीमीटर वाटर इरिगेशन के थ्रू ही दे रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम हमारी जो डिपेंडेंसी है इरिगेशन पर ही है। अगर इरिगेशन ना किया जाए तो वो फसल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे एरिया जहां पर मैक्सिमम डिपेंडेंसी हमारे एग्रीकल्चर की मतलब इरिगेशन पर होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशन, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि हमें प्रोडक्टिव इरिगेशन नहीं करना है, हमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन करना है, यानी कि हमारा एविलिटी जो हो, हमारी डिपेंडेंस जो हो वो कम से कम इरिगेशन पर हो, ठीक है। तो अब जब हमें कम से कम पानी यूज करना पड़े, इसका मतलब यही हुआ, तो हमें ऐसे क्रॉप की जरूरत होगी जो पानी कम यूज करें। इसलिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न में नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इसलिए हमें जरूरी है कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को यूज ना करें, तभी तो हम कम से कम वाटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि कहा गया कि प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, इसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने तरबूज या खरबूज देखा होगा, गर्मियों में मिलती है। ये कहाँ पर उगाई जाती है? ये रेत में उगाई जाती है, ये जो सैंड एरिया होते हैं वहां पर उगाई जाती है, वहां पर इसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो एज ये क्या है, ये तो सिट्रस फ्रूट ही है ना, तरबूज जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो ऐसे प्लांटेशन कीजिए इस एरिया में, ये तो आपको एक अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, और ये आपको इनकम भी देंगे, इनके लिए कम वाटर की भी जरूरत है आपको, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेज था इसमें कहा गया कि एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पास्चर डेवलपमेंट। अब क्रॉप एंड पास्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेज जो था ना इसमें अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ नहीं था, इरिगेशन की भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज थी नहीं, इसलिए कहा गया कि आपको वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं लगाने हैं। लेकिन सेकेंड स्टेज में जब भी आप आते हैं लेटर बाद में, तो यहाँ पर इरिगेशन की थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिलने लगती है, तब यहाँ पर कहा गया कि पास्चर डेवलपमेंट या फिर क्रॉप डेवलपमेंट लाइए, क्रॉप ज्यादा नहीं फास्ट पास्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए भी आपको कम पानी की जरूरत होगी। तो ये सेकेंड स्टेज था, ठीक है। साथ में ये भी कहा गया कि जो वाटर लॉगिंग एरियाज है और जो सॉइल सैलिनिटी वाले एरियाज हैं, अब डेजर्ट वाले एरिया में तो आपको सैलिनिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो जो सॉइल होते हैं वहां पर साल्ट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो एरियाज हुए हैं जहां पर वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है, फिर जो सॉइल सैलिनिटी वाले एरियाज हो गए हैं उनको रिक्लेम किया जाए, अब उनको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाए और वैसे प्लांट्स वहां पर लगाए जाए जो वो प्लांट्स उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। अब ऐसे प्लांट्स जो सैलिनिटी को एब्जॉर्ब कर पाए या सैलिनिटी को क्या करें उसको सह सके, वैसे प्लांट्स सब लगाइए। तो कहा गया कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी एरियाज को आप रिक्लेम कीजिए और उनको यूज करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट लाने की जरूरत है, क्यों, डेजर्ट एरिया है ना, डेजर्ट एरिया है वो, तो हमें वहां पर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट लाना होगा, इसके लिए हम फॉरेस्टेशन करें या फिर जो शेल्टर बेल्ट्स है वहां पर प्लांटेशन लगाएं। शेल्टर बेल्ट्स मतलब जहां हम रहते हैं उसके आजू बाजू हम वहां पर प्लांट्स लगाएं, ठीक है। फिर सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। सोशल सस्टेनेबिलिटी का ये मतलब होता है कि चलिए ठीक है आपने क्या किया कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इनकम के लिए, अपने अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, लेकिन क्या बस ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से ही होता है? क्या हम कह दें कि ठीक है प्लांटेशन कीजिए, वहां पर आप एक पोल्ट्री फार्म कीजिए, हॉर्टिकल्चर आप प्लांटेशन शुरू कीजिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाइए, तो क्या कह देने से काम तो नहीं होता है? हमें उन लोगों को फिनेंशियल सपोर्ट भी देना होगा। अगर हम उनको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे, हम उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं देंगे, हम उनको क्रॉप्स को उगाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब वो काम कैसे होगा? तभी सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हमें अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफाइड तो करनी ही है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, उनको फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी देना है, तभी सोशल सस्टेनेबिलिटी आएगी। दूसरी चीज इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ ये हुआ कि कोई भी आदमी एक ही अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड ना रहे, हम अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई कर पाए। अगर वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसके साथ साथ हम कहें कि भाई तुम पोल्ट्री फार्मिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री भी स्टार्ट कर सकते हो,
फॉरेस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हो या थोड़ा बहुत प्लांटेशन का भी काम कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इनकम के जो अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं ना वो डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यूज मिल सकती है। या फिर अगर एक आपका अपॉर्चुनिटी या जो था वो अगर खराब हो जाए ड्यू टू क्लाइमेट और किसी वजह से, मान लीजिए आपका फसल खराब हो गया, तो बाकी की जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपको इनकम प्रोवाइड कर पाए, दिस इज इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, बुक पढ़िएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, काफी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, अब ये 9 चैप्टर था, इसके बाद हम मिलेंगे 10 चैप्टर में। तब तक लिए एंजॉय कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।